सब, मैं जुलेखा अल्फा जुलेखा किचन से। आई होप आप सब ठीक होंगे और अल्लाह का करम है और आप लोगों की दुआ है, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, अल्लाह का करम है। तो आज मैं क्या बना रही हूँ, आज मैं बना रही हूँ तवा पुलाव। वैसे मेरे पास तवा इतने बड़े बड़े हमारे पास तो तवे होते नहीं है, तो मैं तो पैन में ही बना रही हूँ, मतलब कढ़ाई में। तो आप भी चाहे तो कढ़ाई में बना सकते हो, और आपके पास अगर बड़ा तवा है तो आप बड़े तवे में बना लीजिएगा इसे। तो और इसको है ना आप सर्व किससे करेंगे, मतलब रायते के साथ। आप चाहे कचुम्बर जिसे कहते हैं प्याज का रायता बना लें कचुम्बर, या फिर आप सिर्फ खीरे का कचुम्बर बना लें उसके साथ सर्व कीजिएगा। तो चलिए बनाते हैं ऑर्डिनरी मसालों से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश आज की। चलिए एक कढ़ाई या तवा लीजिए, उसमें 3-4 टेबलस्पून जितना तेल डालिए। तेल हल्का गर्म हो जाए फास्ट आंच पर तो इसमें डाल दीजिए 1/2 छोटे चाय का चम्मच साबुत जीरा। जीरा डालने के बाद आप चाहें तो एक हरी मिर्ची बारीक काट कर डाल दीजिए। मैं इस तरीके से एक साबुत डाल देती हूँ, एक स्लिट मारी हुई है, और इसे तड़तड़ा जाने दीजिए। जब तड़तड़ा जाए कुछ सेकेंड्स के लिए तो इसमें डाल दीजिए एक बड़ी सी छुंदा प्याज और इसे डालकर मिक्स कर लीजिए। और फास्ट आंच पर ये जो प्याज है इसे पकाए आपने, तब तक पकाना है जब तक ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाती। 3-4 मिनट में तो ये कच्ची पक्की हो जाएगी। प्याज जब कच्ची पक्की हो जाए तो 3 मीडियम साइज के टमाटर को बारीक काट लीजिए, छील निकाल कर और इसमें डाल दीजिए। जूसी लीजिएगा टमाटर, मतलब मेरा बोलने का मतलब है लाल लीजिएगा तो अच्छे जूसी रहेंगे। चूल्हा स्लो कर दीजिए, नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार, और 1/2 छोटे चाय का चम्मच हल्दी पाउडर डालकर इसे मिक्स कर आप चाहें तो मीडियम आंच पर इसे भून सकते हैं टमाटरों को, तब तक पकाएं जब तक ये अच्छे नम नहीं हो जाते। या फिर मैं क्या कर रही हूँ, चूल्हा स्लो करके इसे ढक कर 4-5 मिनट तक पकने देती हूँ। चलिए 4-5 मिनट हो चुके हैं, टमाटर अच्छे नम हो चुके हैं। मैं स्पैचुला की मदद से थोड़ा सा मैश कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे वाले जूसी टमाटर नहीं थे, आप जूसी टमाटर ही लीजिएगा। अब यहाँ पर मैं डाल देती हूँ 1/4 कप जितने फ्रोजन मटर मैं डाल रही हूँ, और वो डालकर मिक्स कर लीजिए और चूल्हा मीडियम आंच कर दीजिए। वैसे मैं फ्रोजन मटर डाल रही हूँ तो मैं 1 मिनट के लिए ही इसे फ्रोजन मटर को अभी फिलहाल पका रही हूँ। आप नॉर्मल जो हमारे मटर होते हैं वो डाल रहे हैं फ्रेश वाले, तो आप क्या कीजिए, ये फ्रेश डालने के बाद थोड़ा सा पानी का छींटा डालकर दम पे थोड़ी देर के लिए पकने दीजिए, क्योंकि वो मटर थोड़ा समय लेते हैं पकने के लिए। अब डाल दीजिए 1/2 छोटे चाय का चम्मच धनिया पाउडर, 3/4 छोटे चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटे चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/2 छोटे चाय का चम्मच जीरा पाउडर डालकर 1/4 कप पानी डाल दीजिए, मिक्स कर लीजिए। चूल्हे को स्लो आंच कर दीजिए कि मसाला जले ना। अब 1/2 टेबल स्पून भाजी पाव मसाला डाल दीजिए, आप कम या ज़्यादा अपने स्वाद अनुसार कर सकते हैं, कोई भी कंपनी का ले सकते हैं। मिक्स कर लीजिए और चूल्हा मीडियम आंच कर दीजिए, और 1 से 1.5 मिनट तक ऐसे मीडियम आंच पर मसाले को भूनिए। अभी पहले तो बिना पानी डाले, जब 1.5 मिनट मसाला भून जाए तो ये देखिए इस तरीके से तेल निकल आएगा साइड से। तो जब तेल निकल आए तो अब मैं 1/4 कप पानी डाल देती हूँ, मिक्स करती हूँ। अब यहाँ 2 तरीके हैं, आप चाहें तो इसे मीडियम आंच पर पकने दीजिए जब तक मसाला नहीं भून जाता तब तक, या फिर मैं क्या कर रही हूँ 1/4 कप पानी और डाल रही हूँ, मिक्स करती हूँ, मीडियम आंच पर चूल्हा है और इसमें एक उबाल खिला लेती हूँ। एक उबाल आ जाता है तो इसे ढक कर धीमी आंच पर 5-6 मिनट तक दम पर पकने देती हूँ। ये 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए तेल ऊपर आ चुका है। और अब क्या कीजिए, ये जो आलू है मैंने 2 बॉईल करे हुए साइड पर रखे थे, इसे बारीक बारीक पीस कीजिए, डाल दीजिए हमारे मसाले के अंदर और मिक्स कर लीजिए। चूल्हा मीडियम आंच कर दीजिए और तकरीबन 1/2 मिनट तक मसाले में इसे पकने दीजिए। जब हल्का सा तेल छूटने लगे, मुझे थोड़ा नमक कम लग रहा था तो थोड़ा मैंने एडजस्ट किया, जब तेल छूटने लगे 1-1.5 मिनट के बाद चावल डाल दीजिए। वैसे ये चावल बासमती है, मैंने थोड़ी देर भिगाने रखा था, फिर पूरी तरीके से बॉईल करके नितार कर साइड पर रखा था, तकरीबन 1.5 से 2 कप के दरमियान है। थोड़े थोड़े चावल डालिए, चूल्हा मीडियम पर रखिए और इसे मिक्स करते जाइए हल्के हल्के हाथों से, थोड़े थोड़े डालते जाए, मिक्स करते जाए और मीडियम आंच कर रखें। अब जब बहुत अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, आपको लगे यहाँ इस समय कि कुछ कम है तो आप डाल सकते हैं, बेशक मेरे को बराबर लग रहे हैं तो मैं कुछ भी नहीं डाल रही हूँ। आप चाहें तो नमक कम लगे तो नमक डाल दीजिए। अच्छा, थोड़ी सी बारीक कटी हुई कोथमीर मतलब हरा धनिया भी डाल दीजिए और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अच्छा, आप चाहें इस समय अगर आपको लग रहा है कि हल्की सी कणी रह गई है आपके चावल में, कोई बात नहीं, एक पानी का छींटा मार दीजिए और ढक कर अभी स्लो आंच करके इसे दम पे 2 मिनट पकने दीजिए। चलिए 2 मिनट हो चुके हैं, मैं मीडियम आंच करके इसे एक बार फिर से चला लेती हूँ और ये बन गए हमारे पुलाव, तवा पुलाव। चूल्हा कर देती हूँ मैं बंद
और ये बढ़िया से गर्मा गर्म रेडी है सर्व करने के लिए। यहाँ पर एंड में मैं डाल देती हूँ 1 टेबलस्पून जितना नींबू का रस, और ये डालकर बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। थोड़ी सी बारीक कटी हुई कोथमीर फिर से डाल दीजिए अगर आपको चाहिए तो। अच्छा, तवा पुलाव में ऑब्वियसली आपको पता है कि मीडियम आंच पर ही वो तवे पे बना रहे होते हैं, लेकिन आपने देखा मैं कभी कभी बीच में स्लो आंच करके ढककर उसे पकने रहने दे रही थी। ये तकरीबन आपके ऊपर डिपेंड है, आप मेरी तरह करें या मीडियम आंच पर सारे मसाले भून लें, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो 1.5 से 2 कप के दरमियान में चावल ले सकते हैं बासमती बॉइल करे हुए, आप चाहें तो दूसरी सब्जियाँ भी डाल सकते हैं जैसे गाजर हो गया, शिमला मिर्च बारीक कटी हुई हो गई। अच्छा, एंड में मैंने पानी का छींटा नहीं मारा है, लेकिन आप चाहें तो मार के दम पे रख सकते हैं, लेकिन आप नहीं भी मार रहे हैं तब भी आप 1 से 2 मिनट उसे दम पे रहने दीजिए, सो दैट चावल में सारे मसाले जाएं, तो अंदर तक जाएंगे चावल में मसाले होंगे तो ज़्यादा फ्लेवर आएगा। चलिए अब इसे मैं प्लेट में गर्मा गर्म निकाल ली हूँ और गर्मा गर्म इसे सर्व करती हूँ। अब पक गया, मैंने सोचा आपको दिखा दूं, खा के भी बता दूं कैसा टेस्ट है, मैं भी तो टेस्ट करूं ना कि कैसा है। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ खा के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मजेदार है, मजा आ गया, बहुत ही टेस्टी है, वेज भी बहुत ही अच्छा होता है, और ये रेसिपी ने ये प्रूव कर दिया, मजा आ रहा है। और जब भी मैं बाहर जाती हूँ ना शॉपिंग में, तो 4-15 पे मेरी एक रेस्टोरेंट है बंदी हुई है फिक्स, वहां मैं जाती हूँ ना तो ये हमेशा वहां का जरूर मंगाती हूँ, वेज तवा पुलाव बढ़िया होता है उनका, तो मैंने सोचा आज घर में ही बना लो। अच्छा, अगर आप मेरी ये रेसिपी बनाए मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। और हाँ, अगर आपको ये रेसिपी बहुत ज्यादा अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिए। तो बस, अच्छा मैं रायते के साथ खा रही हूँ, आप भी रायता बना के खाइएगा, बहुत मजा आता है, रायता भी बहुत मस्त बना है। तो फिर से हाजिर होंगे एक नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ या फिर ब्लॉग के साथ। अंटिल देन, एंजॉय तवा पुलाव।